हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखते हैं। हमने जब एटम्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने एलिमेंट्स के जो नेम है या उनके फॉर्मूला या सिंबल कह ले, उन्हें लिखने का तरीका जो था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के क्लास में हम जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के फॉर्मूला है उन्हें किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे, जो रूल्स है बेसिक उसके बारे में भी हम लोग एक बार जान लेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे दिया गया है, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी जो टर्म है वो एक एलिमेंट का उस चीज को बोलते हैं जो कि उसकी है कंबाइनिंग पावर। यानी कि एक एलिमेंट की जो कंबाइनिंग पावर, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ एक बॉन्ड बनाने का जो उसका एनर्जी या पावर है, उसे उसकी कंबाइनिंग पावर बोला जाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि दो एलिमेंट अगर है ए और बी, ए की अगर कंबाइनिंग पावर 2 है और बी की कंबाइनिंग पावर 1 है, तो ये दोनों जो है 2 और 1 वो उनके आपका वैलेंसी कहलाएगा रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। क्लियर, ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। अब देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आपकी वैलेंसीज होगी वो डिफरेंट होगी। अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होगी, और एक ऑक्सीजन एटम है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अलग होगी। या फिर हम बात करें, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो अलग है, उनका जो बॉन्ड है वो अलग बनेगा। और हाइड्रोजन अगर सल्फाइड के साथ या सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन और सल्फर की कैपेसिटीज अलग है, तो उसमें एक अलग बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट होती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी अलग होगी और वो अलग तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी जो है वो काम में आता है किसी भी एलिमेंट का कैसे वो बॉन्ड बनाएगा उस चीज़ को पता लगाने के लिए। यानी एक एलिमेंट जो है, अगर एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये डिपेंड करेगा उसकी वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी के ऊपर इसलिए डिपेंड करेगा कि उसका वो पावर है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात कर लूँ, मैं किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड कैसे बनाऊंगी, उसके साथ कैसे फ्रेंडशिप करूंगी, उसका जो आपका रिलेशन है वो किसके ऊपर होगा, मेरे बिहेवियर के ऊपर होगा। अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो मैं एक अच्छा बॉन्ड इस्टैब्लिश कर सकती हूँ, अगर मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो मैं इस्टैब्लिश नहीं कर सकती हूँ। तो दैट इज माई कैपेसिटी ऑफ मेकिंग बॉन्ड विद अदर पीपल। सेम गोज फॉर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जो बॉन्ड किसी और के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो उसकी कैपेसिटी होती है वो वैलेंसी जो है वो डिसाइड करता है। दैट इज क्लियर। एलिमेंट विल कंबाइन विद अनदर एलिमेंट, यही चीज इसमें बताया गया है। जो थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ पे दिया गया है, द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स एंड आर्म्स ऑफ एन एटम। यहाँ पे बोला गया है कि एक जो आपका वैलेंसी है या उसके किसी भी एलिमेंट के एटम की जो वैलेंसीज है वो उसके हाथ और पैर की तरह यहाँ पे माना गया है। डिफरेंट जैसे एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ हैंड्स होंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, ह्यूमन बींग एंड ऑक्टोपस का एग्जाम्पल लिया गया है। क्यों इनका एग्जाम्पल लिया गया है, ये दोनों ही जीव या ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इन दोनों के नंबर ऑफ हैंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ह्यूमन बींग हैव 2 हैंड्स एंड ऑक्टोपस हैव आपका 8 हैंड्स। तो दोनों के ही हैंड्स का जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो अब ये दोनों अगर चाहेंगे एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाना, तो आपको एक ऑक्टोपस को कितने ह्यूमन बींग्स की जरूरत होगी कि उसके सारे हाथ फुल हो जाए। अगर हम यहाँ पे बात करें एक ऑक्टोपस की, तो उसके पास टोटल 8 हैंड्स होते हैं और एक ह्यूमन बींग के पास 2 हैंड्स होते हैं। तो यानी कि ये जो 8 हैंड्स है, अगर ऑक्टोपस चाहता है कि मेरे 8ों हाथ मैं किसी ह्यूमन बींग के हाथों को पकड़ूं, यानी कि एक हाथ जो है एक ह्यूमन बींग का हाथ पकड़ेगा, यानी कि ऑक्टोपस के 2 हैंड्स को पकड़ने के लिए एक ह्यूमन बींग लगेगा, और 2 हाथ पकड़ने के लिए एक और ह्यूमन बींग लगेगा, और 2 हाथ पकड़ने के लिए एक और ह्यूमन बींग, और 2 हाथ पकड़ने के लिए एक और ह्यूमन बींग लगेगा। यानी कि यहाँ पे जो इनका रेशियो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1:2
4 का रेशियो हो जाएगा, यानी एक ऑक्टोपस के सारे हाथ को फिल करने के लिए 4 ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है। तो इसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड बनता है। अगर एक एलिमेंट है जिसके पास वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर 8 है और एक दूसरा एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर 2 है, तो जो 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी वाला जो एलिमेंट होगा, वैसे जो आपके एटम्स कम से कम 4 लगेंगे, तब जाके वो उस एटम को पकड़ने के लिए केपेबल होगा। तो इसी तरह से जो है इनके बॉन्ड्स बनते हैं। क्लियर? ये इनकी कैपेसिटी है कि वो दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे, ये डिपेंड करता है उनकी वैलेंसीज के ऊपर। तो ये था आपका क्राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला का। अब हम लोग इसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है द बैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके बैलेंसीज और चार्ज जो है, यानी कि जो उनके एटम्स की जो वैलेंसी या चार्ज है ऑन द आयन्स में जो होगी वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस किस तरह से होनी चाहिए कि वहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो होगा एलिमेंट्स का एक रिएक्शन में, वो सारा बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम एंड द सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटर्न फर्स्ट। अगर एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जहाँ पे सोडियम आपका एक मेटल है और क्लोराइड जो है वो आपका एक नॉन मेटल है, अगर इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है तो जो मेटल होगा वो हमेशा पहले लाई करेगा और नॉन मेटल जो है वो बाद में आएगा। जैसे कि ये एक मेटल है इसीलिए पहले आ रहा है और क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है इसीलिए ये बाद में आ रहा है। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम मेटल है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, आयरन सल्फाइड, आयरन एक मेटल है और जो सल्फर है वो आपका एक नॉन मेटल है। यहाँ पे हर केसेस में आप देख सकते हैं जो मेटल है वो सबसे पहले है और बाद में नॉन मेटल को पोजिशन दिया गया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉली एटमिक आयन्स द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लोजिंग फार्मूला ऑफ द आयन इन द ब्रैकेट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ द आयन्स आउटसाइड द ब्रैकेट। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर पॉली एटमिक आयन्स है, पॉली एटमिक आयन्स यानी कि अगर किसी एक एटम का अगर दो ग्रुप में वो डाला जा रहा है तो उसका क्या होगा, कितने नंबर के मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ वो एटम्स लग रहे हैं उसका जो नंबर होगा उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एक एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आप देखिए, हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉली एटमिक आपका कंपाउंड है, आयन है। OH जो है आपका, ये दोनों है तो दो एलिमेंट्स, लेकिन इन दोनों को साथ में लिखा जाता है, उसे हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पॉली एटमिक है यानी कि दोनों साथ में ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो इनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये ज़्यादा की मात्रा में यानी कि एक या दो की मात्रा में है तो इसे होल टू लिखेंगे, यानी कि दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और कितने नंबर ऑफ है उसे हम लोग यहाँ पे बाहर में लिखेंगे। क्लियर? क्यों यहाँ पे बाहर में लिख रहे हैं, क्योंकि ये OH दोनों ही टू अमाउंट में है इसीलिए बाहर लिख रहे हैं। अगर हम इसे डायरेक्टली अगर ये ब्रैकेट ना देके MgOH2 लिखते तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होता, ऑक्सीजन के लिए नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं। क्लियर? अगर ये दो नंबर में ना हुए, अगर इनका क्वांटिटी जो था वो दो ना हो के सिंगल होता तो ये ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं OH जो है वो एक ही अमाउंट में है, इसीलिए ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये 2 या 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसे इस तरह से लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम ये लिख सकते थे लेकिन हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 है तो वो ऑलरेडी, उसे ना लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ब्रैकेट देने की ज़रूरत है। ये सारे थे हमारे डिफरेंट टाइप के आपके रूल्स जो थे एक कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए। सबसे पहला रूल्स जो है वो क्या है, वैलेंसी और चार्ज आयन्स के बैलेंस होने चाहिए। सेकंड जो है वो क्या है, आपका मेटल जो है वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि जो भी मेटल है वो फर्स्ट लिखेगा, नॉन मेटल जो है वो बाद में आएगा हर केस में। और थर्ड हम लोग देख रहे हैं अगर पॉली एटमिक आयन्स या आपके कंपाउंड्स हैं तो उससे क्या किया जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखो और कितने अमाउंट के हैं वो जो है आपका अमाउंट वो ब्रैकेट के बाहर छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सबस्क्रिप्ट, जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है आपका सबस्क्रिप्ट में दिया गया है।
क्लियर। तो अब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, इनका एग्जाम्पल से हम लोग एक बार समझ लेते हैं इसे। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आपका, देखिए फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये जो वैलेंसीज है दोनों की दी गई है। आपका क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वो हाइड्रोजन के ऊपर लिखी जाएगी और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी वो क्लोरीन के ऊपर लिखी जाएगी। दोनों का ही 1:1 है, इसीलिए HCl हूबहू उस तरह से लिखा गया है। दूसरा जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का केस, यहाँ पे आप देखिए सल्फाइड की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पास लिखी जा रही है और हाइड्रोजन की जो आपकी उसका जो वैलेंसी है वो आपका सल्फाइड के साथ लिखा जा रहा है। हाइड्रोजन का जो आपका वैलेंसी वो 1 है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, और आपका सल्फाइड का जो वैलेंसी है वो 2 है, इसीलिए उसे हाइड्रोजन के साथ लिखा गया है उसके सबस्क्रिप्ट में। क्लियर। अब थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में भी वही है, आपका एल्यूमिनियम का चार्ज जो है वो 3+ है, ये एक आयन है, ये वाला जो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयन है, इसीलिए यहाँ पे 3+ लिखा गया है, और ऑक्सीजन का जो आपका वैलेंसी या चार्ज है उसे 2-2- है, यानी कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इनके बीच में एक शेयरिंग, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इन दोनों का जो आप देख सकते हैं एरोज किस तरह से है, इसका चार्ज जो है वो आपका यहाँ पे दिया जाएगा और इसका चार्ज जो है एल्यूमिनियम का चार्ज वो ऑक्सीजन के ऊपर लिखा जाएगा, दोनों ही सबस्क्रिप्ट में होंगे। क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल है देखिए सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम के वैलेंसी +2 है और ऑक्सीजन की -2 है, उन दोनों को उसी तरह से लिखा गया है और ये हो जाएगा आपका CaO, क्योंकि ये दोनों जो है आपका सेम है, इसलिए दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर। प्लस और माइनस, +2 -2 है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है, CaO डायरेक्टली वैसा का वैसा रहेगा। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट जो है NaNO3, ये एक पॉली एटमिक आयन है, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपके डिफरेंट एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में कंबाइंड है। यहाँ पे भी आप देखिए +1 -1 है, इसीलिए दोनों का ही लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली आपका NaNO3 यहाँ पे लिखा गया है, कोई ज़रूरत नहीं है उनके चार्जेस को लिखने की। सिमिलरली एक और फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखिए कैल्शियम का जो चार्ज है 2+ है, और यहाँ पे ये भी एक पॉली एटमिक आपका मॉलिक्यूल है OH, जो कि साथ में जुड़े हुए हैं, 2 डिफरेंट टाइप के आपके एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनका जो आपका चार्ज है वो 1- है, और यहाँ पे ये देखिए आपका जो 2+ है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, 1 जो है यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, हम 1 को नहीं लिखते हैं। इस तरह से जो है आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को मिक्स करके, उनके एटम्स को मिक्स करके कंपाउंड्स बनते हैं, उनके फॉर्मूला इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डिफरेंट, और जो इसके बाद का जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।